यूपी में राउंड टू की काउंसलिंग चल रही है और अगर आप यूपी में कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यूपी के वो टॉप 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन से हैं जो आपको इस साल ज्वाइन करने चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखिए। वन बाय वन सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, टॉप 15 कॉलेजों की लिस्ट भी आपको दूंगा, साथ ही साथ आप अपने लिए कैसे एक अच्छा कॉलेज चुन सकते हैं वो सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूं। तो बनवाई बनाइए, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरी देखिए लिस्ट तो दूंगा ही कॉलेजों की, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक अच्छा कॉलेज यहां पर सेलेक्ट किया जाए, यानी कि अगर कोई कॉलेज अपने आप में अच्छा है तो वो क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपका समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले देखने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एकेडमिक। हम भी जब आपके लिए कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं, उसमें ये कुछ पॉइंट है जिन पर हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। अकेडमिक अच्छी होनी चाहिए कॉलेज की, साथ ही साथ लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अकेडमिक से आपका फ्यूचर बिल्ड होता है, पढ़ाई अच्छी हो इसीलिए तो जा ही रहे हैं। लोकेशन से कई सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले तो फ़र्क पड़ता है सीधा सीधा आपका हॉस्पिटल पर, कि हॉस्पिटल अगर लोकेशन अच्छी है तो हॉस्पिटल अच्छा होगा, पेशेंट फ्लो अच्छा होगा। साथ ही साथ लोकेशन से लोगों को समझ नहीं आता है, फीस पर भी असर पड़ता है, आपके बजट पर भी असर पड़ता है, कि अगर किसी रिमोट एरिया में है तो आने जाने में, खासकर अगर फीमेल कैंडिडेट है तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है, बजट बढ़ जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हॉस्टल भी इंपॉर्टेंट होता है, हॉस्टल की फीस भी आपको यहाँ देखनी चाहिए, हालांकि फिक्स कर दी गई है लेकिन फिर भी मनमाने चार्जेस यहाँ पर वसूले जाते हैं। हॉस्टल अगर बच्चे को अच्छा मिल जाए तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, आगे पीजी पर ध्यान दे पाता है, साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई के साथ कुछ और बिल्ड करना है तो वो भी हॉस्टल में रह के उस पर भी आप काम कर सकते हैं, हॉस्टल अच्छा होना चाहिए। इसके बाद पीजी सीटें आपको वहाँ पर देखनी चाहिए, पीजी सीटें अगर अच्छी हैं तो अगेन उसका हॉस्पिटल और वहाँ पर आपका हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होगा, और एकेडमिक तो आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि पीजी सीटें जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, वहाँ ब्रांचेज जितनी अच्छी होंगी, वहाँ पर आपका एकेडमिक और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको देखना चाहिए कि लाइब्रेरी ज़रूर हो, क्योंकि लाइब्रेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो बच्चे के लिए आगे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बजट पर भी असर डालती है, किताबें बहुत ज़्यादा खरीदनी आपको पड़ती हैं और इस वजह से लाइब्रेरी तो देखिए होनी ही चाहिए, बुक्स तो वैसे भी बच्चों के पास होनी चाहिए लेकिन फिर भी लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी पढ़ाई का। और करिकुलर एक्टिविटी भी कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आपका ओवरऑल विकास हो बच्चे का, यहाँ पढ़ाई से तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे आपका फ्यूचर, आपका सीवी बिल्ड करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्वालिटी के साथ साथ आपका कॉलेज आपके बजट में होना चाहिए और कोई भी हिडन चार्जेस वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारी टीम देखती है आपको कॉलेज दिलाने से पहले, और आपको भी अगर कॉलेज सेलेक्ट करना है तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन पर हम ध्यान देते हैं। और अगर आप यहाँ पर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, खुद से रिसर्च अगर नहीं कर पा रहे हैं, यूपी में कॉलेज प्राइवेट चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल डिस्काउंट अभी हमने निकाल रखा है प्राइवेट कॉलेज के लिए स्पेशली, तो इस नंबर पर कॉल करिए या हमारा डॉक्टर श्लोक ऐप जो है वो डाउनलोड करके वहाँ से भी आप सीधा हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम प्लान आप लोगों के लिए होता है। तो ये कुछ बातें मैंने बता दी एक अच्छा कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है। फिलहाल अगर आपको लिस्ट जानना है तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ नाम दे रखे हैं, यहाँ नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इनके बारे में खुद से अपनी रिसर्च जरूर करिएगा इनमें जाने से पहले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कोई यहाँ पर नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ कि ये पहला टॉप का कॉलेज है, ये दूसरे नंबर पर आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है। हाँ, ये कॉलेज अच्छे हैं, इनमें अगर आप जाते हैं तो आपके लिए पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें और सब कॉलेजों से बेहतर आपको मिल जाएंगी, तो अपनी भी रिसर्च करिएगा। बाकी अगर आप काउंसलर चाहते हैं तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आप हमारी मदद ले सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर SRM बरेली यूपी का टॉप कॉलेज है, इसके बारे में तो सीधा मैं कहूँगा। उसके बाद शारदा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नोएडा में रोहिलखंड अच्छा कॉलेज है,
आपका तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के अंदर अच्छा कॉलेज है, हेरिटेज बनारस के अंदर है बाराबंकी, आपका हिंद बाराबंकी अच्छा कॉलेज है, हिंद सीतापुर लो बजट कॉलेज है इसके लिए जाना जाता है, इसके बाद रामा कानपुर आप ले सकते हैं, और इसके बाद टीएस मिश्रा अच्छा कॉलेज, जीएस हापुड़ है, एनसीआर मेरठ आपका है, मायो बाराबंकी में जा सकते हैं, यूनाइटेड प्रयागराज, और इसके बाद इसी साल जो ऐड हुआ है वो है गुरु गोरक्षनाथ, इसकी भी कट ऑफ पहली बार इसमें बच्चे गए हैं और फर्स्ट बैच होने के बावजूद भी कट ऑफ आई गई है, क्योंकि ये भैया योगी आदित्यनाथ जी का कॉलेज है और इस वजह से लोगों का भरोसा इसके ऊपर है। तो ये हैं कुछ आपके टॉप कॉलेज जिनमें आप अपनी अगर लिस्ट बनाते हैं तो इनमें से कॉलेज आप अपने रख सकते हैं जहां पर आपको कम से कम शिकायतें देखने को मिलेंगी। बाकी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिएगा, और अगर आप और हेल्प लेना चाहते हैं, डिटेल में अपनी पूरी चॉइस फिलिंग लिस्ट बनवाना चाहते हैं, पूरा अच्छे से ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से आप हों, यूपी में अगर आप आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप हमारी टीम से बात करिए, एक अच्छा ऑफर आपके लिए है, हमने फीस बहुत कम कर दी है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।